खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप। अचानक गश्त खाकर आमेर महल से गिरी विदेशी महिला पर्यटक। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगी। चाचा और भतीजे का नया आरोप। कालीचरण सराफ और उनके पूरे परिवार ने जनता को लूटा। अब खबरें विस्तार से। जयपुर राजधानी के छोटवाड़ा इलाके में देर रात एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। आग से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल के हाथ पांव फूले। जयपुर विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में घूमने आई एक विदेशी महिला पर्यटक भ्रमण के दौरान गश्त खाकर गिर गई। महिला पर्यटक को जमीन पर गिरते देख दूसरे पर्यटक और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS के सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करने का मामला सामने आया। कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने रैगिंग की बात को स्वीकार किया। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के बाल काट लिए। घटना से मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा है। सीनियर छात्रों के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। यमुनानगर इनेलो में कहर के बाद दल से अलग हो चुके दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिग्विजय चौटाला ने यमुना नगर में युवाओं के बीच जाकर अपनी आने वाली पार्टी के बारे में बताते हुए अभय चौटाला पर निशाना साधा और 9 दिसंबर को जींद में होने वाली रैली के लिए आमंत्रित किया। जयपुर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा ने मंत्री कालीचरण सराफ पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री ही नहीं उनके पूरे परिवार ने जनता को लूटा है, साथ ही शिक्षा और चिकित्सा विभाग का बंटा बैठा दिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।